गुड इवनिंग, नमस्कार। मेरा नाम सुजय गुप्ता है और आप देख रहे हैं कार्लो.इन प्रेजेंट्स सैटरडे स्टार्डम लाइव। मेरे आज के गेस्ट ने पहले टेलीविजन सीरियल्स में धूम मचाई और आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे छाए हुए हैं। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन ऋतुराज के सिंह। लेट्स कनेक्ट विद हिम। ऋतुराज जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने का। बहुत अच्छा लगा आज हमारे साथ आप जुड़े हैं। कैसे हैं आप? नमस्कार सर, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो, ऑन योर वंडरफुल शो। एंड आई हैव वॉच्ड एंड विटनेस्ड क्वाइट अ फ्यू ऑफ योर एपिसोड्स एंड आई हैव थॉरली एंजॉयड देम। बहुत सारे ऐसे आपके साथ जुड़े हुए कलाकार हैं जिनके साथ मैंने काफी काम किया है और एक किस्म का प्यार मोहब्बत है उनसे। एंड बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे इस अमेजिंग अमेजिंग शो में जो कि आप करते हैं उसमें आपने मुझे शामिल किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे दर्शकों को मेरा प्यार और खूब सारी मोहब्बत और आपके आपके प्यार और आपकी आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वही प्यार आशीर्वाद तो ऑनलाइन इतना दिख रहा है, वेब सीरीज के हर प्लेटफॉर्म पे हर जगह आप छाए हुए हैं। बीट क्रिमिनल जस्टिस, अब है बंदिश बैंडिट्स, मतलब क्या ऐसा फॉर्मूला आप डाल रहे हैं कि वो वेब सीरीज सुपरहिट हो जाती है? अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, सबकी मेहनत है, पर हाँ खुदा की मेहरबानी है कि वेब सीरीज अच्छे चल रहे हैं। और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं बहुत थिएटर करता था पहले 12 साल की उम्र से, पहले सुषमा सेठ के साथ दिल्ली में, उसके बाद बैरी जॉन के साथ थिएटर एक्शन ग्रुप में। बैरी जॉन मेरे गुरु हैं और उनका स्कूल अच्छा चल रहा है, हालांकि उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, संन्यास ले लिया, धर्मशाला में रहते हैं। तो थिएटर से जुड़ा हुआ था और मैं मुंबई आया 1993 में, तो तब टेलीविजन का दौर शुरू हुआ था जी टीवी के साथ। तो मैं बहुत लकी था, फॉर्चुनेट था कि मुझे एंकरिंग का काम मिला तोल मोल के बोल में, और बने के अपनी बात में मुझे एक बहुत ही उमदा रोल मिला विक्रम शर्मा का, प्लेइंग द सन ऑफ द लेट इरफान खान, हु वाज अ ब्लेसिंग फॉर मी एंड माय एक्टिंग करियर। तो वो मुझसे कहते थे उस वक्त कि तूने अच्छा किया, तू आ गया, तू बहुत आगे जाएगा, रियली मिस हिम। खैर, तो मैं ये कह रहा था कि मेरे साथ ऐसा हुआ कि जो आपने जिक्र किया था कि वेब सीरीज कई एक प्लेटफॉर्म्स पे मैं दिख रहा हूँ, टेलीविजन में भी ऐसा हुआ था। टेलीविजन में आई डोंट थिंक देयर वाज एनी चैनल apart from sports channels and news channels and you know the discovery वगैरह, इन channels को छोड़ के जो बाकी अपने जो इसको GEC बोलते हैं उन सब पे मैं आया हूँ, उन सब में मैंने participate किया, शामिल हुआ। और similarly OTT platform जब शुरू हुआ कुछ 3 साल पहले, या कुछ मैं 3 साल पहले इससे जुड़ गया, तो मैंने ये निर्णय किया कि मैं टेलीविजन छोड़ रहा हूँ और मैंने इसका ऐलान भी किया। और आप जैसे बहुत ही प्यारे लोग जो कि न्यूज से जुड़े हुए हैं, बॉम्बे टाइम्स, IWM, इन्होंने ये ऐलान जो है छाप दिया। तो तब से मैं OTT सीरीज पे काम कर रहा हूँ और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड द ब्लेसिंग्स ऑफ द यूनिवर्स मैं बहुत सारी फिल्में कर रहा हूँ। तो OTT प्लेटफॉर्म्स में ऐसा हुआ है कि मैंने कभी हंट नहीं किया, जैसे टीवी में मैंने हंट नहीं किया, मुझे लोगों ने हंट किया। तो एक अच्छी, मतलब एक अच्छी एनर्जी है जिस जो मैं हमेशा कहता हूँ मेरी माँ की दुआ है, उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया था मेरी एक्टिंग के लिए, किसी और ने नहीं किया था, सिर्फ मेरी माँ और बैल। तो OTT पर ऐसा हुआ कि इत्तेफाकन मुझे अलग अलग रोल्स मिले, अलग किस्म के रोल्स मिले जैसे टीवी में होते थे और अलग अलग अपने वेबसाइट्स पे हुए। तो हाँ, बंदिश बैंडेज ऑफ कोर्स सुपर है, हैट्स ऑफ टू आनंद तिवारी एंड हिज टीम, कितने प्यारे लोग उससे जुड़े हुए थे, कितनी अच्छी परफॉर्मेंसेस, और शंकर लॉय एहसान का ओरिजिनल म्यूजिक, तो क्या कहना, मतलब बहुत ही लकी।
और बहुत सारे और भी हैं। अभय फाइव में छोटा रोल है लेकिन अच्छा था। yes. किसी कारण के वजह से मैं सेकंड सीजन नहीं कर पाया। लेकिन MX प्लेयर पे हे प्रभु, उल्लू पे तड़प है और क्रिमिनल जस्टिस है। क्रिमिनल जस्टिस तो आपकी एक्टिंग मतलब इट इज अमेजिंग। थैंक यू। अरे वी हैड ग्रेट डायरेक्टर्स एंड ग्रेट स्टोरी। अच्छा, और इसी वजह से मैंने टेलीविजन छोड़ा, बिकॉज मुझे स्क्रिप्ट्स अच्छे चाहिए थे एज एन एक्टर, जो किसी भी थिएटर एक्टर को चाहिए होंगे। करेक्ट। तो मैंने ये मतलब मुझे यकीन हो गया कि अभी टेलीविजन जो है वो स्क्रिप्ट के मामले में और नीचे गिरने वाला है। इसमें वो बात नहीं रही जो पहले थी 93 टू 99 में। बहुत अच्छे स्क्रिप्ट थे तब और वीकलीज थे। और तो अभी वेब सीरीज के जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये प्रोवाइड कर रहे हैं एक्टर्स के लिए। आप देखिएगा, अगर आप इसका शौक फरमाते हैं तो बहुत सारे नए नए चेहरे आपको दिखेंगे। yes, इतने yes. सारे एक्टर्स हैं जिनको मतलब पहले ये काम नहीं मिल रहा था, इनको कोई नोटिस नहीं कर रहा था। Correct. ये इतने सारे वेब सीरीज में हैं और उनका काम दिख रहा है, लोगों को पसंद आ रहे हैं। और ये बहुत ही अच्छी बात है हमारी इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए। बिकॉज यू नो इट्स लाइक एक खुला मैदान है, एक नई मतलब नई उपज है, एक नई खेत है, उसमें नई उपज है और हम उसमें जुड़ गए हैं। और कहते हैं ना, बहुत सारे बुजुर्गों ने कहा है कि यहाँ की मिट्टी जो है उसमें कुछ खासियत है, कुछ खासियत। तो यही मैं, हाँ, तो ये बड़ा अच्छा है। आई एम ग्लैड दैट यू आर ओरिएंटिंग योरसेल्फ टुवर्ड्स द वेब वर्ल्ड। द ओटीटी प्लेटफॉर्म में जो कंटेंट क्वालिटी है वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छी आ रही है आज की डेट में। नॉट जस्ट जी बिल्कुल, नॉट अ वर्क टू डू। मेरे हिसाब से तो जो कंटेंट आ रहा है दैट इज आल्सो प्योरिटी, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। व्हाट डू यू से व्हेन यू एक्ट इन दीस? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। द स्क्रिप्ट्स आर गुड, द क्वालिटी ऑफ द स्क्रिप्ट्स, द यू नो, मेरी सोच ये है कि स्क्रिप्ट जो है वो सिर्फ शब्दों का नहीं होता है जी। स्क्रिप्ट में जो मेन कम्युनिकेशन होता है टुवर्ड्स योर ऑडियंस, इट इज थ्रू द बेसिक्स ऑफ द स्टोरी लाइन। बोलने के लिए इंसान कुछ बोलता है, कभी ना भी बोलता है। मैंने ऐसे बहुत कई मरतबा रोल्स किए हैं जहां पर मैं बहुत कम बोलता हूँ, अनलाइक ऋतुराज इन रियल लाइफ जो कि ज्यादा बोलता है। बट उनमें भी मैंने देखा कि ऑडियंस तक जो कहानी पहुंच रही है वो बहुत ही अच्छी तरीके से पहुंच रही है। सो फॉर मी स्क्रिप्ट इज नॉट जस्ट द वर्ड्स, इट्स द होल सिनेरियो, द ड्रामा। एंड स्पेशली इन थ्रिलर्स, जैसे ये क्रिमिनल जस्टिस का आपने जिक्र किया था, थ्रिलर्स में क्या है कि यू गेट टू प्ले अ लॉट विद योर एक्सप्रेशंस, योर आईज, व्हेन यू स्पीक विद योर वॉइस। और एक शूटिंग के दौरान आपको ये महसूस होने लग जाती हैं चीजें कि ये कहानी जो है इस तरीके से बताई जा रही है, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। देयर इज अ अनसेड एक्साइटमेंट एंड इन दैट which sort of meets my own passion for acting. Yes, I can actually see while you are telling all this, aapka wo passion dikh raha hai ki you are loving it. You are actually very, impressed with the whole scenario of the OTT platform. Yeah, it really is a great thing for us, you know. Apart from the actors thing that I had mentioned, you know, there are a lot of film directors, ad film directors and film DOPs, जो डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफीज हैं, द कैमरामैन, कैमरा वुमेन, राइटर्स, जो कि ज्यादातर फिल्मों से जुड़े हुए थे और एड फिल्म्स बनाते थे, उनमें से इन द वेब सीरीज वर्ल्ड अभी मैंने कुछ 11 या 12 कर लिए। आई नोटिस के 75-80% ऑफ द पीपल इन्वॉल्व्ड आर फ्रॉम द फिल्म लाइन और फ्रॉम द एड फिल्म वर्ल्ड। इनका काम करने का तरीका ही अलग है जी। एक तो पहली बात, आपके मतलब वर्किंग एटमॉस्फेयर में कोई बदतमीजी नहीं होती है। yes. गाली गलौज नहीं होता है। एक बहुत ही सहमे हुए लोग हैं जो कि काम से मतलब रखते हैं। एक्टर को जगह मिलती है, स्पेस मिलती है परफॉर्मेंस के लिए जी। इन लोगों में ये एक बहुत ही मतलब बहुत ही कमाल की ये क्वालिटी है, इनमें टैलेंट कह सकते हैं। इनका काम करने का तरीका एब्सोल्युटली प्रोफेशनल है।
इनको इससे मतलब नहीं है कि आपका नाम क्या है, आप कितने मशहूर हैं, आपको कितने पैसे दिए जा रहे हैं। इनको मतलब आपसे सिर्फ ये है कि आप इस कैरेक्टर में है या नहीं है। तो बड़ा फायदा होता है फॉर एक्टर्स। आई फील दिस इज द बेस्ट स्पेस टू बी इन। एंड हाँ, इनकी सोच समझ, इनका व्यवहार, सारी कुछ चीजें, सारे मैं कह रहा हूँ दे आर अ डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन। ये एक अलग अलग किस्म के लोग हैं। टेलीविजन में जो लोग हैं अभी, ऑल द बेस्ट टू देम, बट उनमें ये सोच समझ नहीं दिखती, अगर है भी तो नहीं दिखती। दिखती नहीं। दे ऑपरेट इन अ वेरी 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 क्या कहते हैं, वेरी वो एक स्ट्रेसफुल वे। देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, देयर इज अ लॉट ऑफ, यू नो, देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर। इट्स नॉट अ एंजॉयबल एक्सरसाइज फॉर एन एक्टर। है कि टेलीविजन हैज बिकम टू कमर्शियल। अब वो कमर्शियल रेट, रिटर्न इन्वेस्टमेंट, उसके रहते हुए आर्ट कहीं छुप जा रहा है और ज्यादा स्ट्रेस आता जा रहा है कि भाई बड़ा फटाफट परफॉर्म करो, सीरीज निकालो, बाहर निकालो, बस। आई थिंक वो हो रहा है। बिल्कुल 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 सही बात है। और ये कई सालों से हो रहा है, करीब 8-10 साल से। मुझे ज्यादा वक्त लग गया। मैंने 3 साल पहले जब टेलीविजन छोड़ा तो मैंने 25 साल क्लॉक कर लिए थे and over 60 serials. And I realized there is a lot of difference between what I started off with, like the show I mentioned, Banegi Apni Baat, and the script, and the shows that I was doing later. But yeah, I'm grateful to those producers for hiring me, for paying me very good money. फिर मैंने अपने आप से बातें की और मैंने कहा कि यार मैंने 25 साल कर लिया है अभी। You might be aware, I was not in films. Sorry, कुछ आ रहा है। I was not in films. I had done some English films when I was acting in Delhi with Barry. They were very nice films. Meri pehli film, in which Annie gives it those ones. Usme mera main lead role tha. Ittefaqan Shahrukh Khan ki bhi wo pehli picture thi. Aur wo hamare theater group mein bhi the kuch saalon tak. To khair, wo kiya to Mumbai aaya to mere liye jagah nahi mili mujhe. Mujhe jagah nahi mili filmon mein. और मुझे बहुत छोटे रोल्स मिलते, ऑफर आते थे, मैंने किए भी है, 2 किए, कुछ खास मजा नहीं आया। फॉर्चुनेटली दोस फिल्म्स डिडंट डू वेरी वेल। लेकिन मैंने ये नोटिस किया कि वो 2 करने के बाद कास्टिंग वाले मुझे 1 सीन 2 सीन के लिए बुलाने लग गए। तो मैंने मना कर दिया। मैंने बोला नहीं, मेरी कमाई अच्छी है टीवी पे। अभी 25 साल के बाद 3 साल पहले की जो बात मैं कर रहा था, I got a little carried away, sorry. मैं ये कह रहा था कि मैंने ये realize किया कि देखो, मैं मुंबई आया था खाली हाथ, अब मेरे पास घर है, मतलब अपार्टमेंट है लेकिन बड़ा है, मतलब मैं तो मेरे यार दोस्तों से भी कहता हूँ कि मैं यहाँ मर सकता हूँ, मतलब स्पेशियस है, गाड़ियां हैं, 1 नहीं 3 गाड़ियां हैं, बच्चे बड़े हो गए, मेरी बेटी जो है 25 साल की है, मेरा बेटा 21 का है, उसने कॉलेज अभी कंप्लीट कर लिया, मेरी बेटी मैनहट्टन न्यूयॉर्क में रहती है, शी वर्क्स फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स, ओह ओके, शी इज मेड अस सो प्राउड, या 25 साल, शी इज द यंगेस्ट एम्प्लॉई इन न्यूयॉर्क टाइम्स, और बहुत ही कमाल की लड़की है। दिस इज अ फीट, या एंड शी इज अ टॉपर, शी वेंट टू न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी टू स्टडी ड्रामेटिक लिटरेचर बिकॉज़ शी वांट्स टू बी अ राइटर, and then she got this job. So I'm saying कि मैंने ये अपने आप से बात करते हुए मेरी समझ जो है वो मुझे ये कह रही थी कि यार तू अब तू वो काम कर जो तुझे पसंद है। तूने काम किया, तूने कमा लिया, तेरा घर बन गया, तेरा परिवार सुरक्षित है जी, और लग्जरीज हैं, फैसिलिटीज, तो इसकी वजह से। और एंड यू नो Suresh, honestly speaking, I would not have been able to make this move unless we had OTT platforms. Oh, क्योंकि कमाई तो करनी है ना, ये शहर बहुत महंगा है। Yes, yes. आपका yes. दिल्ली भी महंगा है और मुंबई में, हाँ क्या करें, अब है ऐसा है तो है जी. अभी उसकी वजह से कमाई जरूरी है। तो अगर टीवी छोड़ने का निर्णय कर लिया मैंने या किसी और भी एक्टर ने जी. तो वो सोचेगा कि कमाई कहाँ से होगी यार जी. तो OTT platforms के होने के वजह से मेरा ये डिसीजन जो है वो सक्सेसफुल रहा। एंड दूसरी बात ये है कि मुझे जब एक बड़ी फिल्म में अच्छा रोल मिला, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, करण जौहर धर्मा की फिल्म, शशांक खेतान, वंडरफुल ब्यूटीफुल पर्सन, रोट द फिल्म, डायरेक्टेड द फिल्म,
He himself is a very fine actor. He's with Nasiruddin Shah's theatre group, Motley. Yes. Then Varun Dhawan, Alia Bhatt, such yeah. amazing actors. तो इस सब के मिश्रण से वो फिल्म बड़ी हिट होगी. तो लोगों ने कहा अरे यार ये ऋतुराज को ले लो फिल्म वालों ने. पहले फिल्म वाले कहते थे नहीं यार उसको मतलब टीवी वाला है यार डेट नहीं देगा. तो हमारे साथ क्या होता था टीवी में 25 दिन 28 दिन महीने के लॉक रहते थे. यस. आप मतलब कहीं और सांस नहीं ले सकते. नहीं ले सकते. और सांस आप जब ले रहे हो टीवी सेट पे लाइक आई सेड इन द लास्ट 8-10 इयर्स घुटन है. खुली सांस नहीं है. एक एक्टर के लिए बहुत 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 प्रेशर होता है कि यार ये किसी तरीके से मैं ये शेड्यूल आज का कंप्लीट कर लूं और मैं घर चल जाऊं. फिल्मी दुनिया में मुझे अब चांस मिल रहा है. यू नो व्हाट सुजय, लॉकडाउन में 6 महीने में बिना काम के था. मार्च 11th आई शॉट इन धर्मशाला फॉर अ वेब सीरीज. देन आई शॉट नेक्स्ट इन सितंबर 19th. तो बहुत ही खालीपन था. बड़ा गैप हो गया. खैर उसके बाद जो अनलॉक हुआ एज मोदी जी सेज, मैंने 3 फिल्में रैप अप कर ली. अच्छा. हाँ, जर्सी फिल्म शाहिद कपूर वाली पहले से शूट कर रहे थे लॉकडाउन से पहले. सो दैट वाज प्रायोरिटी. आई गेव माय डेट्स ऑन प्रायोरिटी. वो कंप्लीट हो गई. सेम टाइम आई गॉट एन ऑफर फॉर सत्यमेव जयते 2. इज प्रोड्यूस्ड बाय निखिल अडवाणी एंड टी सीरीज. वेरी बिग फिल्म. जॉन अब्राहम अ ब्यूटिफुल पर्सन. ही इज सच अ लवली पर्सन. तो उनके साथ काम करने का मौका मिला. उसमें मैं एक बहुत ही बुरा आदमी हूँ. वो भी रैप अप हो गया. और मैंने एक यूके प्रोड्यूसर के लिए एक अलग फिल्म की कॉल्ड हश, which we shot in the interior of Madhya Pradesh. बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि कोविड के होते हुए उस छोटे से गांव में कॉल्ड शिवपुरी, 6 hours from Bhopal, 2 hours, 2.5 hours from Gwalior, it was कोविड फ्री. तो हम लोग खेतों में घूमते थे, जॉगिंग करते थे, साइकिलिंग करते थे, कुश्तियां लड़ते थे. इतना मजा आया. हाँ, बचपन याद आ गया यार. ऐसा लगा कि कमाल है यार. और वहां का पानी, वहां का खाना, मतलब बेहतरीन. तो these were good experiences. And now I can say that I have got my foot in the film industry now. Yes. मैंने एक और फिल्म भी साइन की है जिसके लिए मैं अभी जिक्र कर रहा था. मैं दिल्ली आ रहा हूँ तो आपसे मुलाकात हो जाएगी इंशाल्लाह. और तो या सो वेब सीरीज ग्रेट. दे गेव मी द चांस टू स्टेप आउट ऑफ टेलीविजन एंड टू हैव डेट्स फ्री. क्यों वेब सीरीज में क्या है, 6 दिन का काम है या ज्यादा से ज्यादा 10 दिन का काम है. और आपका काम बहुत मतलब अच्छी तरीके से हो रहा है और आपको पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं और कोई छुपाने वाली बात नहीं, ऑन टाइम मिल रहे हैं. टेलीविजन प्रोड्यूसर्स में करीबन 75-80% जो है वो बड़े अजीब से बिजनेसमैन है. मतलब हाँ, बोलते बहुत है, लिखते कॉन्ट्रैक्ट में बहुत है, लेकिन वादा नहीं निभाते. रिलेशनशिप्स खराब हो जाती है. ऐसा आपने अरुण आलिया के साथ जब किया बद्रीनाथ की दुल्हनिया, मजा, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? कोई मजेदार किस्सा बताइए ऑन द शूट. जरूर. इतने सारे थे, बहुत ही मजेदार एक्सपीरियंस था. मैं वरुण धवन और आलिया भट्ट से पहले शूट के पहले कभी नहीं मिला था. अच्छा. मेरा ऑडिशन हुआ, मुकेश छाबड़ा वेरी नाइसली कास्ट मी एंड आई मेट करण जौहर. आई हैड मेट करण जौहर एट अ फ्यू पार्टीज. जैसे ये फंक्शंस होते हैं तो करण जौहर को कौन नहीं पहचानता. वो खड़े हैं तो जाके हेलो हाय करण, आई एम ऋतुराज, हां आई नो यू, आई नो यू. पर कभी उनसे ऐसी मुलाकात नहीं हुई, ना शशांक खेतान से जो कि डायरेक्टर. सॉरी. तो मैं जब वरुण आलिया से मिला, मुझे मुझे ये लगा कि ये दोनों जो है ये स्टार नहीं है, ये एक्टर है. वरुण इत्तेफाकन बैरी का स्टूडेंट है, मेरे गुरु का. अच्छा. उसने बैरी जॉन से ट्रेनिंग ली थी. हाँ. तो जब मैं उससे मिला वो मुझसे बैरी की बातें करने लग गया. और फिर उसको पता था कि शाहरुख और मैं एक ही थिएटर ग्रुप में थे. उसने इस फिल्म के पहले वो दिलवाले शूट किया था शाहरुख के साथ. तो उसने मुझसे ऐसे बातें करनी शुरू की जैसे कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं. ओके. बैरी के बारे में, शाहरुख के बारे में, अपने बारे में. और आलिया भट्ट वॉज सो मतलब मॉडर्स्ट, सो डाउन टू अर्थ.
लगा ही नहीं कि यार ये इतनी बड़ी एक्ट्रेस है, महेश भट्ट की बेटी है, बिल्कुल डाउन टू अर्थ। मतलब हम लोग रिहर्सल्स करते थे स्क्रिप्ट पे, तो हम लोग तीनों एक साथ में जमीन पे बैठ के कर लेते थे। अच्छा, कभी ऐसा नहीं लगा कि ये स्टार है और मैं नहीं हूँ। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। अच्छा, इन कुछ चुटकुले हैं अपने दिमाग में। सबसे मजेदार तो किस्सा ये था कि हमने काफी सारा आउटडोर किया। लड़की जो है आलिया, उसका कैरेक्टर वैदेही, वो कोटा की है। और वरुण जो है बद्री झांसी के हैं, जिनका मैं पिता था अमरनाथ बंसल। तो ये दोनों जो है, इन्होंने बहुत सारी चीजें इन दोनों शहरों में अडॉप्ट कर ली। तो ऐसा हो गया कि जब शूटिंग चल रही थी तो हम हंसी मजाक में उनसे कहते थे, अच्छा ये इस बंदे को बुलाओ, लोकल बंदा कोई, तो आया वो, उनसे बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, फिर मैं कहता हूँ अच्छा नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, शूटिंग देखने आप जाइए। फिर मैं वरुण को बोलता था चल तू इसकी नकल करो। वरुण कहता क्या बोल रहे हो सर, मैं बोला कर इसकी नकल यार। और इतना फैंटास्टिक वो मिमिक कहो कुछ भी कहो, ओह माय गॉड, ही वाज डिटो। एंड दिस हैपेंड मेनी टाइम्स। Okay. Apart from this, I realized that this boy is very, very passionate about his work. इसमें कहीं पर भी वो बैगेज नहीं है कि मैं इतने बड़े मशहूर धवन साहब का बेटा हूँ। नहीं, ड्यूरिंग द एंटायर शूट ही वॉज नॉट वरुण धवन, ही वॉज बद्री। उसकी चाल चलन, उसका बोलना, उसका स्माइल करना, सब ही वॉज बद्री। And Alia Bhatt, I, during that course of time, saw her performing in such fantastic films like Urta Punjab and so many other films where she had a different character altogether. Yeah. Un characters ki zara se bhi jhalak nahi thi. There was no baggage. She was totally Vaidhi. Bilkul hi sehmi hui, chup-chap. Aur bada achha laga yaar, sach mein. Kyunki ye meri pehli badi picture thi. Ab main kar raha hoon kuch aur. अभी वो लोग भी बड़े प्यारे हैं। अभी तो आपने एकदम धूम मचा रखी है, आपका तो बहुत सारा काम दिखेगा अब हम लोगों को सबको। एंड एवरीबॉडी इज नाउ टू यू इन एवरी डिफरेंट रोल। आई मीन यू नो यू आर अ पर्सन दैट आई हैव इंटरव्यूड अ लॉट ऑफ पीपल, यू आर अ पर्सन जिनसे ना एक पॉजिटिव वाइब आ रही है अपने ही काम के लिए। मतलब वो पैशन दिख रहा है आपसे, अभी बात करके भी दिख रहा है कि मतलब यू आर, मतलब आपके लिए सब कुछ है, इसको कितना अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। आई थिंक आप रात को सोने से पहले उठते ही ये सोचते होंगे कि आज मैं बेटर क्या करूंगा। जी बिल्कुल, यही मेरे सोचने का अंदाज है। और ये मेरी माँ ने मुझे सिखाया था जी, जो मैं कह रहा था पहले, शी इज माय बिगेस्ट ब्लेसिंग। 12 साल की उम्र में मैंने जब थिएटर स्टार्ट किया था तो मेरे पिताजी ने मना कर दिया था। माय फादर वाज अ लेफ्टिनेंट जनरल इन द आर्मी, ओके, एंड ही डिड नॉट अप्रूव ऑफ मी बीइंग एन एक्टर। मैं चोरी छुपे थिएटर करता था, मेरी माँ मेरे को हेल्प करती थी। ओके, या दैट इज व्हाई आई एडेड के माय नेम इज ऋतुराज सिंह ऑन पेपर इन माय आइडेंटिफिकेशन आईडीज, बट आई एडेड के ऋतुराज के सिंह मैंने कर दिया जब मेरी माँ गुजर गई। उनका नाम कमला था, कमला है अभी भी, वो मुझे लगता है वो है मेरे पास। तो मजाकिया बात है, मैंने सोचा ऋतुराज कमला सिंह कर दूं, सिंह मेरे फादर का नेम, लेफ्टिनेंट जनरल के सुरेंद्र सिंह। तो मेरे यार दोस्तों ने कहा यार तू मत कर ये बकवास, ऋतुराज कमला सिंह, संजय लीला भंसाली तुझ पे केस कर देगा। ओके, तो तू उसकी नकल कर रहा है क्योंकि उनकी माँ का नाम ली। तो मैंने कहा ठीक है, तो ऋतुराज के सिंह कर दिया। और अच्छा हुआ बिकॉज ऋतुराज सिंह कई सारे हैं, एक्टिंग वर्ल्ड में इतने मशहूर नहीं है जितना कि मैं हूँ, लेकिन कई सारे हैं। और एक बहुत ही मशहूर क्रिकेटर है ऋतुराज सिंह, जयपुर का, तो उसकी बहुत सारी फैन मेल मुझे आती थी। अच्छा। और मेरी बहुत सारी फैन मेल उसको जाती थी। हाँ। तो मैं और मेरे पेरेंट्स जो है रिटायरमेंट के बाद, मेरे पेरेंट्स जो है अब तो खैर नहीं रहे, अल्लाह को मेहरबान हो गए, वो जयपुर में रहते थे। तो बहुत सारे लोग ये जर्नलिस्ट वगैरह जयपुर के कहते थे अच्छा आप क्रिकेट भी खेल रहे हो, अब एक्टिंग भी कर रहे हो। मैंने बोला मैं वो नहीं हूँ यार। तो ये हाँ, तो कहाँ से बात कहाँ चली गई पता नहीं, माँ की बात कर रहा था मैं, क्या कर रहा था, क्या बोल, क्या क्या कहते थे हम बात ऋतुराज के सिंह के पहले, क्या बोल, भूल गया। आपका पैशन, आपकी मम्मी, पैशन मेरी माँ की बदौलत। मेरी माँ, शी इन वन सेंटेंस टोल्ड मी, शी सेड तू एक्टिंग कर, क्योंकि जब तू एक्टिंग करता है, और मैं बहुत करता था घर में एक्टिंग, मैं अपने पापा की एक्टिंग करता था,
मेरे बड़े भाई मेरी बड़ी बहन की एक्टिंग करता था, मेरे पास उनके पास बहुत सारे डॉग्स थे, मैं डॉगी की एक्टिंग करता था। बच्चा था, खुश मिजाज था, बड़ा अच्छा लगता। जो हमारे घर में काम करने वाले लोग थे उन सब की एक्टिंग करता था। तो मेरी माँ कहती थी कि जब तुम एक्टिंग करते हो ना, तुम्हारे चेहरे पर एक रौनक आती है, एक रौनक आती है, तुम एक्टिंग करो। तो वो चीज मेरे जहन में, मेरी नस नस में। एंड आई रियली रियली लव द फैक्ट दैट आई एम एन एक्टर। मैं इतना खुश नसीब हूँ कि मैंने जो चाहा वो मैं कर पाया। तो बात कर रहे थे हम 1993 मुंबई की, तो आप यकीन पता नहीं करोगे ना करोगे, उस वक्त मैं बस से जाता था शूटिंग पे और मोबाइल फोन्स नहीं थे, लेकिन टीवी था, टीवी पर लोग मुझे देखते थे, पहचानते थे, मेरे बस में लोग मुझसे बातें करते थे। अच्छा। और मैं हाँ, और मेरे पास 16 रुपए हुआ करते थे एक दिन के खर्चे के। अच्छा। पैसा किसी से नहीं लिया, बिकॉज पापा डिडंट वांट मी टू कम टू बॉम्बे आल्सो, बट आई केम टू बॉम्बे। थोड़ा लेट हो गया खाने में, लेकिन हाँ। सो देन वही था, मतलब वो ऐसा टाइम था जबकि मेरे पैशन ने मुझे मतलब जो है तगड़ा रखा। मैं एक किस्म से कहा जाए तो तगड़ा था, क्योंकि मैंने खुद ही ये डिसीजंस लिए। लेकिन मेरे पास कोई जान पहचान नहीं थी, कोई बैकिंग नहीं थी, एंड टेलीविजन नहीं होता तो मैं नहीं आ पाता। फिल्मों में मैं ट्राई नहीं करना चाहता था, बिकॉज मुझे ये बात समझ में आ गई थी जब मैं दिल्ली में ही था कि शाहरुख खान बहुत बड़ा स्टार बन गया, और वो बहुत कई एक एंगल से मेरी तरह है और मैं उसकी तरह हूँ। तो ये बात जो है मुझे काफी मतलब खटकी थी, लेकिन किस्मत का खेल है, सबका मुकद्दर जो लिखा है जी। तो फिर मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे लिए अच्छा दौर रहा टेलीविजन में, लेकिन अब फिल्मों का है और वेब सीरीज का वही मतलब एक कहते हैं ना, बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। जी टीवी शुरू हुआ तो बिल्कुल जी टीवी शुरू हुआ 93 में, तो मुझे बॉम्बे बुलाया गया। एंड आई नेवर स्ट्रगल्ड एक्सेप्ट फॉर द मॉनेटरी एस्पेक्ट, जो मैं कह रहा हूँ बस से जाता था 16 रुपए जो भी। आई नेवर स्ट्रगल्ड, मुझे मतलब काम मिलता गया, मेरे काम से मुझे काम मिलता गया। मैं आया हूँ मुंबई और मैंने तोल मोल के बोल का स्क्रीन टेस्ट दिया, जो मैंने दिल्ली में दिया था। तीन लोग शॉर्टलिस्टेड थे, एक बॉम्बे का लड़का, एक बैंगलोर का और एक मैं दिल्ली का। मुझे वो काम मिल गया। जिस दिन मुझे वो काम मिला उसी दिन मैंने बनेगी अपनी बात का ऑडिशन दिया, मुझे वो काम मिल गया। तो हाँ, मैं बड़ा फायदे में रहा, मतलब मेरी किस्मत ने मुझे चमका दिया। मैं एक हफ्ते की छुट्टी लेके आया था। मैं नौकरी करता था दिल्ली में। एक हफ्ते की छुट्टी लेके आया था मैं, और कभी वापस नहीं गया। So it was good. It was very good. Yeah, but I love Delhi. I love Delhi. Right, sir. तो काफी अच्छी आपने बात की. And now it's time for a round called the one word, one line answers. इसमें मैं आपसे I'll be asking you a set of questions, जिसका जवाब आपको या तो एक वर्ड में या मैक्सिमम एक लाइन में देना है. Are you ready? अच्छा, वाह, बढ़िया. चलो हाँ, ready. Okay. Describe your life in just 3 words. A beautiful life. Okay. Your favorite car? Mercedes SUV. Okay. GLC 300. Okay. Your a recent OTT show that you have been watched. आपके तो सब करते हैं, आपने कौन सा देखा अभी रिसेंट? बंदिश बैंडिट्स। अच्छा, दोनों ही हो गया अपना। कई मर्तबा मैंने कुछ 5-6 दफा देख लिया। ओके ओके। फेवरेट सॉन्ग यू कीप हमिंग? इट्स अ सॉन्ग व्हिच इज द थीम सॉन्ग ऑफ दिस सीरियल मेड इन अमेरिका कॉल्ड फ्रेंड्स, व्हिच इज फेमस वर्ल्ड वाइड। यस। एंड द सॉन्ग इज आई आई विल बी देयर फॉर यू। ओके।
आई सिंग द सॉन्ग टू माई सेल्फ इन द मिरर. अच्छा. मेरी बहुत सालों से आदत. हाँ. और उससे है ना सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है. Okay. अरे आपने कहा था एक शब्द एक सेंटेंस में तो बोले जा रहा हूँ. अच्छा है, अच्छा. Okay. I'll be there for you. Okay. Friends. What sport do you enjoy watching? Football. Okay. Your favorite place to eat? My home. Okay. Biggest strength? The universe. The universe's blessing. Okay. Which is better, certificates or experience? Experience. Okay. Which two celebrities you think are today most influential on OTT? And you can't name yourself. Pankaj Tripathi. Ji. Shiva Chadda. Haan. Okay. Okay. Yeah, I agree. Okay. Last question of this round. What would you like to be remembered as? A good human being. Wow. Beautiful answers. That gets us to the end of this round. A few more questions before we wrap up this interview. Yes, please. What are the, जैसे आपने कुछ projects हमें movies का बताया, any other OTT series that is expected, that is coming anytime soon? Yes. I had mentioned Hey Prabhu on MX Player. Okay. Which we had done about 2 years ago. Mm-hmm. So that was received very well. So we've done Hey Prabhu season 2. In fact, in the unlock, that's the first shoot I started doing in Mumbai. And then we did the climax in Goa. Okay. Another one I've done is called Hastinapur. Hastinapur is a story about this place Hastinapur, in which I play a MLA, a member of the legislative assembly. Hastinapur, in which for the edit. Another one I'm acting in, which has got completed in terms of its shoot, is Hastinapur. I'm playing an MLA in that. It's an interesting story because it is about the inner politics in politics. Okay. So, अच्छा लगा. उसकी shooting भी लखनऊ में हुई थी, जहाँ मैं सत्यनोज जयंती की shooting कर रहा था. जी जी जी. लखनऊ is likes me because keeps calling me. Even Abhay 5 I shot in Lucknow. अच्छा शहर है, खाने का शौकीन मैं तो. अच्छा देन ये हो गया हे प्रभु हस्तिनापुर. वी आर प्लानिंग फिंगर्स क्रॉस्ड सीजन 2 ऑफ बंदिश बैंडिट्स. वी आर वर्किंग ऑन द स्क्रिप्ट्स. ओके. वी आर होपिंग इट हैपेंस बट देयर इज गोइंग टू बी अ टाइम ड्यूरेशन बिकॉज आनंद तिवारी एंड हिज टीम आर थरू प्रोफेशनल्स. दे विल नॉट गो ऑन फ्लोर टिल दे हैव द एंटायर विजन of their story. So, मुझे लगता है अभी फरवरी का महीना शुरू हुआ है. I feel we would probably start filming this around the end of this year. Okay. क्योंकि 6 महीने तो ये लगाएंगे. ये बहुत मतलब बहुत कमाल का काम करते हैं. इनके जितना प्रोफेशनल जितने भी मैंने ये 10, 11, 12 जो भी किए हैं OTT platforms के लिए, इनके जितना प्रोफेशनल मुझे और कोई नहीं मिला. अच्छा. Yeah. And Anand is a wonderful actor. He's a stage actor. And yes. Wonderful director. And then ये है तो उसकी उम्मीद है. मेरे ख्याल से मैंने एक और आएगा Amazon Prime पे. लेकिन वो episodic है. Very interesting subject. It's a psychological thriller. Okay. और वो 10 episode हैं शायद. तो हर एक episode में अलग अलग कहानियां हैं. उसका मैंने अभी wrap up किया shoot. पहले हमने किया था थोड़ा बहुत लॉकडाउन के पहले. वो जो मैं मेंशन कर रहा धर्मशाला में दिल्ली में, अभी मुंबई में वो हमने रैप अप कर दिया. एटलीस्ट मेरा हिस्सा तो मैंने रैप अप कर. तो इट्स कॉल्ड गिल्टी माइंड्स. हाँ, हर एक एपिसोड में अलग कहानी है. लेकिन उसमें सूत्र ये है कि साइकोलॉजिकल थ्रिलर मतलब जो आदमी एक क्राइम कमिट कर रहा है, मर्डर हो, रेप हो, चोरी हो, उसके दिमाग में क्या चल रहा है.
उसके दिमाग में जो चीजें चल रही हैं उसके ऊपर स्क्रिप्ट निर्भर है। तो इस मेरे वाले एपिसोड में करीबन आई थिंक एक घंटे से कम में होगा, जो मेरा बेटा है वो मर्डर करता है। okay. तो उसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है? कोर्ट केस तो है, मर्डर मिस्ट्री नहीं है, लाइक क्रिमिनल जस्टिस मर्डर मिस्ट्री, यू नो मर्डर मिस्ट्री, बट इट्स लाइक कोर्ट केस वगैरह लीगैलिटी है, लेकिन साइकोलॉजिकली क्या मतलब क्या टूटा उसके अंदर? यू नो इट्स नॉट, ही इज नॉट अ क्रिमिनल, यस, बट उसने क्राइम किया है, किया है। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एंड ब्यूटिफुल पीपल अगेन डूइंग इट। सिंग्रो मीडिया एक कंपनी है, शिफाली इज अ लेडी डायरेक्टर। इवन या वन मोर थिंग दैट्स गोइंग टू कम आउट इज बॉम्बे बेगम्स। बॉम्बे बेगम्स अगर नाम चेंज ना हो माइट बी कॉल्ड समथिंग एल्स, बट बॉम्बे बेगम्स अभी तक ये नेटफ्लिक्स के लिए है। और ये एक बैंकिंग सेक्टर पर स्टोरी है जो कि अभी तक तो मैंने तो नहीं देखी ना। कोई हमारे इंडियन प्लेटफॉर्म पे अभी तक बैंकिंग सेक्टर पे है। औरतों की मजबूती की कहानियां हैं, चार हैं मेरे ख्याल से। मेरा रिलेशनशिप एक के साथ ही है जो कि ये बहुत ही मशहूर पूजा भट्ट है, जो अच्छा। महेश भट्ट की बड़ी बेटी है। तो इनका इनर वे कह सकते हैं कमबैक है। इन्होंने बहुत खूबी से ये रोल ये किरदार निभाया और मेरा सारा उनके साथ टशन है बैंकिंग सेक्टर में जी। और वो भी बहुत प्यार से बनाई गई, एंडोमॉल शाइन ने प्रोड्यूस की। दिस आई हैव डन नाउ 4 विद एंडोमॉल शाइन। एंडोमॉल शाइन और इसमें भी दो डायरेक्टर्स हैं, दोनों लड़कियां हैं। अच्छा। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ इतना अच्छा लगता है। और टीम में भी कम से कम 50% ऑफ द पीपल आर गर्ल्स, यू नो, सो इट्स ग्रेट टू सी दैट चेंज। टेलीविजन जी, टेलीविजन में लड़कियां जो होती थी वो या तो कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट में होती थी या फिर वो यू नो फोर्थ या फिफ्थ एडी होती थी। यहाँ पर वो डायरेक्टर्स हैं खुद, पूरा फोर्थ इस्तेमाल हुआ है। लेखक भी इतनी सारी लड़कियां लिख रही हैं, इतना बखूबी लिख रही हैं। और कैमरा वर्क आल्सो, यू नो, इट्स वेरी नाइस। लाइक नेहा वाज डीओपी फॉर बद्रीनाथ की दुल्हनिया, वंडरफुल। आई मीन इतना अच्छा लगता है बिकॉज यू नो आई हैव बीन ब्रॉट अप बाय माय मदर टू बिलीव इन इक्वालिटी। मेरी बहन मुझसे 2-2.5 साल बड़ी है, लेकिन कभी मेरी माँ ने हम दोनों में फर्क नहीं देखा। okay. तो मैं हॉर्स राइडिंग करता था, वो भी करती थी। मैं टेनिस खेलता था, वो भी करती थी। रेस स्विमिंग करता था, वो भी करती थी। तो इट वॉज अ वेरी नाइस अपब्रिंगिंग। आई रियली रिस्पेक्ट गर्ल्स, रिस्पेक्ट वुमेन। यस। और मेरी माँ ने मुझे वो सिखाया था। शी सेड कुछ भी हो जाए, जस्ट रिमेम्बर दैट यू हैव टू रिस्पेक्ट वुमेन because they are the ones who give you birth. absolutely sir. तो मेरे तो आंखें बंद रोंगटे खड़े हो गए। हाँ बताओ, अभी next बताओ सर। थैंक यू सो मच। कोई एक जो नए एस्पिरेंट्स आ रहे हैं, पहले लोग काफी स्ट्रगल करते थे, एनी मैसेज दैट यू वांट टू गिव फॉर देम? टोली थैंक यू फॉर आस्किंग मी दिस। सो राइट ड्यूरिंग द लॉकडाउन आई गेव अ कपल ऑफ इंटरव्यूज आल्सो दैट पीपल हैड टोल्ड मी के जो यंग पीढ़ी है एक्टिंग की दुनिया में, उनके लिए आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं, तो मैं उसको सॉर्ट ऑफ रिपीट करूंगा जी। माय मैसेज टू ऑल द यंग एस्पायरिंग एक्टर्स, मेल एंड फीमेल जी, इज बिलीव इन योरसेल्फ। डोंट गेट बॉदर्ड बाय लूजिंग आउट ऑन सर्टन वर्क। If you give an audition, make it seem to you that it is the film. Do it in that way. Jee. Whether you get it or not, that period of time in your life, in your acting life, will be positive and constructive. Don't give in to people who try and mislead you. Believe in yourself. Teen shabdon mein agar mujhe bolna hai, believe in yourself. और शिद्दत से काम करो, आपका काम आपको काम दिलाएगा। मैंने 28 इयर्स मुंबई में मैं रह चुका हूं, और एक्सेप्ट फॉर द लॉकडाउन जो 6 महीने बहुत ही अजीब तरीके से बीते, आई हैव नेवर बीन विदाउट वर्क एंड आई हैव नेवर केप्ट अ मैनेजर और एन एजेंट। आई हैव नेवर गिवन अ रुपी एज कमीशन टू एनीबॉडी टू कास्ट मी। माय वर्क हैज गॉट मी वर्क एंड इफ आई कैन डू इट विदाउट हैविंग एनी कॉन्टैक्ट एंड विदाउट taking the help of my friend Shahrukh Khan, who was a superstar, even that time was a star, never asked him for work.
never worked in any of his films, even though I was called a couple of times. If I can do it, you can do it. Himmat rakho aur shiddat se kaam karo. The universe will bless you. Will bless you. Thank you on this note. Thank you so much for coming on our show today. बहुत अच्छा लगा. बहुत सारे messages already flow करना शुरू कर चुके हैं. I'll make sure that ये आपके पास भी पहुँचे. And I'm sure you'd love to answer them. जरूर. I would love to answer them and I will also post it on social media because during the lockdown I got into social media. पहले मैं इसमें बहुत अनाड़ी था. लेकिन अभी और मेरा Instagram account भी मेरे fans ने बनाया था. वो hack हो गया. तो अच्छा. अभी फिर मैंने शुरू किया दोबारा. तो अभी कुछ कम फॉलोअर्स हैं पर है और अच्छे लोग हैं. तो आई वुड आल्सो लाइक टू शेयर दिस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एंड तो आपसे आप प्लीज. इट वाज वंडरफुल बीइंग ऑन योर शो. आई मस्ट से यू आर वेरी प्लेजेंट एंड यू हैव अ वेरी नाइस पर्सनालिटी एंड आई एम वेटिंग फॉर द डे व्हेन आई कैन एक्चुअली मीट यू इन पर्सन एंड वी कैन शेयर सम मोर नोट्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर शो. Thank you so much, sir. Lots of love and blessings to you and to all the viewers and all my lovely, lovely people who are sharing the planet with us, with Sujoy and me. We love you and just be yourself and enjoy your life. Okay? Aur kuch nahi karna. Be happy. Bye. Namaste. So this was Rituraj K. Singh, jinke saath ki humne bahut sari mazedar baatein. Aaj ke liye itna hi. अगले सैटरडे को एक और सेलिब्रिटी को लेके आऊंगा जिनके साथ भी हम बहुत सारी मजेदार बातें करेंगे. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. टिल नेक्स्ट सैटरडे आई होप एंड आई प्रे दैट यू स्टे सेफ एंड प्रोटेक्टेड. टिल देन नमस्कार.